जहां एक ओर इसराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं अब इसराइल और हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच खतरनाक जंग छिड़ी हुई है। कुछ ही दिनों पहले इसराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए थे जिसमें 588 लोगों की मौत हो गई और 1835 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों में चल रहा संघर्ष और तेज हो गया है। लेबनान ने भी इसराइल की तरफ रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इसराइल ने लेबनान की तरफ से आए 55 में से कई रॉकेट को मार गिराया, लेकिन कई रॉकेट इसराइल के आयरन डोम को भेदने में सफल रहे। हिजबुल्ला ने इसराइल में एक विस्फोटक फैक्ट्री समेत कई इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके बाद इसराइल ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए हैं। 24 सितंबर को भी इसराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हुआ जहां हिजबुल्ला का प्रभाव अधिक है। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के एक और वरिष्ठ कमांडर इब्राहिम कुबैसी के मारे जाने की खबर है। वो ईरान समर्थित इस संगठन में मिसाइल और रॉकेट इकाई का प्रमुख था। कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं लेबनान में इसराइल और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का आह्वान किया गया है। الرفات في الجنوب عم تشتغل بكل طاقتها الاستيعابية لحتى تستوعب هالعدد الكبير من الجرحى. كذلك نحن عم نقوم بإخلاء للجرحى من مستشفيات الجنوب إلى مناطق أخرى من لبنان. كان في عنا مشكلة في الطرقات لأنه كان في زحمة للآلاف اللي كانوا عم ينزحوا من قراهم وبلداتهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولكن نحن عم نتساعد معهم لحتى نقدر يعني نقدم الخدمات لأي جريح بيوصل على المستشفيات. كذلك وزارة الصحة أصدرت أوامر بوقف استقبال الحالات الباردة والتركيز على جرح الحرب. دوسری اور IDF نے لبنان میں شیعہ سمودائے کا پرتندھتو کرنے والے حجباللہ کے کئی ٹھکانوں پر نشانہ ساتھ کر حملے شروع کرنے کی گھوشنا کی. اس بارے میں بتاتے ہوئے IDF نے ٹیلیگرام پر لکھا، IDF ورتمان میں لبنان میں حجباللہ آتنکوادی سنگٹھن سے سمبندت آتنکی ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے. وہیں اس گہراتے سنکٹ کا کوٹنیتک سمادھان نکالنے کی مانگ تیز ہو گئی ہے. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रमुख वोल्कर तुर्क ने सभी देशों से लेबनान में बढ़ते तनाव को रोकने का प्रयास करने का आग्रह किया है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भी संघर्ष को कम करने के लिए कूटनीतिक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया है। सुलिवन ने उम्मीद जताई है कि इसराइल और लेबनान के बीच सीमा पर तनाव को कूटनीति के जरिए हल किया जा सकता है।